हाय गाइस, आज मैं जा रहा हूँ जयपुर अपनी दादा दादी को दवाई देने, क्योंकि उनकी दवाई खत्म हो चुकी है और लॉकडाउन में आप सब जानते ही हैं कि क्या हालात चल रहे हैं अभी। तो सो मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। सो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ये है मेरी ट्रेन जिससे मैं अभी जयपुर जाऊँगा। तो आप देख सकते गाइस, थर्मल चेकिंग हो चुकी है। मैं देखता हूँ मेरा कोच नंबर कौन सा है, देखिए आप ही। मैं आपको बताता हूँ, मैं जयपुर घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने दादा दादी को दवाई देने जा रहा हूँ। उनकी दवाई खत्म हो चुकी है, मैं परमिशन मिल नहीं रही थी, इसलिए इस बारे मैं अपने दादा जी को ला नहीं सकता। चलो मेरा कोच मिल चुका मुझे, मैं अंदर जा रहा हूँ, तो आपसे अंदर मिलता हूँ। सो फाइनली गाइस, थर्मल चेकिंग के अंदर चलते हैं। मेरा कोच है B1 और सीट नंबर 26। देखो मैंने अभी तक किसी चीज़ को टच नहीं किया है। चलिए फाइनली बाहर आ चुका हूँ। थर्मल चेकिंग और बहुत सारी डिटेल्स भरवाई इन्होंने, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। तो मैं सारी चेकिंग करवा के आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है। और सर, मेरे को एक देख के बहुत दुख हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, मतलब लाइन ब्रेक करके जल्दी बाहर निकलने के चक्कर में। क्या ही कहूँ, अभी भी लोगों को समझ नहीं आई कि कोरोना क्या चीज़ है। चलो मैं देखता हूँ कोई मेरे को यहाँ से व्हीकल या करना से मिलता है, तो चलो बाय। सॉरी गाइस, मैं रात को आपको दिखा नहीं पाया कि मैं कहाँ रुका था कहाँ नहीं, बट अभी देखिए आप मैं कहाँ पे हूँ, जयपुर आगरा हाईवे। क्योंकि मेरे दादा दादी जयपुर से 40 किलोमीटर गाँव में रहते हैं, तो सो मैं उधर जाऊँगा उनको दवाई देने। और आप देख सकते हैं कि आज मैं क्या राइड कर रहा हूँ, ये मेरे रिलेटिव की बाइक है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बन रहा है, यू नो कि। चलो आपसे मिलते हैं सीधा गांव। हाय गाइस, ये देखो मैं अपने ये जो पहाड़ है इसके पीछे ही मेरा घर है गांव में, और ये हमारे गांव की टंकी है, यहाँ से सबको पानी जाता है। देखो मेरे चाचा बैठे हैं इधर। चलो अपनी बाइक उधर खड़ी है, फिर अपन चलेंगे सीधा जयपुर। बाय। सो मैं अभी जयपुर के मोड़ पर पहुंच चुका हूँ, और ये सीधा रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता जयपुर ही जाता है, बट यहाँ से टू व्हीलर अलाउड नहीं है, और मेरे पास तो बाइक है, तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता। तो मेरे को यहाँ से यू टर्न मार के इस रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता अभी कुछ टाइम पहले ही, 1-1.5 साल पहले ही बना है।
आई थिंक माउंटेन तोड़ के मतलब बीच में से ड्रिल मशीन जैसे आप समझ सकते हैं कि कैसे तोड़ा होगा, उस हिसाब से इसको तोड़ा है और टनल बनाई है, तो इसलिए यहाँ से टू व्हीलर नहीं जा सकते, क्योंकि जब ये गुफा बनी थी तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, तो इस वजह से यहाँ पे टू व्हीलर अलाउड नहीं है, तो अब मेरे को यहाँ से घूम के ही गुजरना पड़ेगा। फिर आपको मैं गुफा पार करने के बाद मिलता हूँ। ओके सॉरी यार, मैं आगे शूट नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत थक चुका था जयपुर पहुँचने का, तो मैं अपनी बुआ के घर जाके सो गया। सो मैं अभी जयपुर रेलवे स्टेशन आया हूँ, यहाँ से मेरी ट्रेन है अभी 3:30 बजे की, और अभी 1 बज रहा है, और 2 घंटे पहले थर्मल चेकिंग के लिए आना पड़ता है। नहीं, न्यू दिल्ली में भी यही हुआ था और जयपुर में भी यही होगा, और आप लाइन देखिए एक बार ही, इतनी लंबी लाइन क्या बताऊँ। बस मैं चेकिंग के बाद आपको मिलता हूँ, क्योंकि अभी भी थकान सी लग रही है मेरे को। चलो फिर बाहर अंदर मिलेंगे। देखो गाइस, आज यहाँ पर चेकिंग चल रही है, देखो अभी मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, बहुत टाइम लगेगा, अंदर मिलेंगे आपसे। मैं अंदर आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन के चेकिंग में, लेकिन सब बढ़िया हुई है, और ये लोग सब पूछ रहे हैं कि कहाँ, कल वही वाली बात कि कहाँ जा रहे हो, कब आए थे, कब जाओगे, वहाँ से कब आओगे। मैंने मना कर रहा हूँ कि वहाँ से नहीं आऊँगा क्योंकि मेरा घर है उधर। देखिए अब आपको एक बात बताऊँ, जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं कम से कम आई थिंक 3 से 4 मास्क डिस्पोज कर चुका हूँ, मैंने फेंके नहीं है उसको कहीं भी, या तो उसको जला, दो तो मैंने जलाए थे और आई थिंक एक गाढ़ा था, और एक शायद एक मैंने चाचा को दिया था अपने जलाने के लिए, देखो उन्होंने क्या किया होगा। मैं थक गया हूँ, मेरी आँखें देखो नींद बहुत नींद, और ये पीछे एजल वाली मैम कैसे कर रही है, आपको व्यू देखना है फिर। यार आपसे बाद में मिलता हूँ ट्रेन के अंदर, जब मेरी ट्रेन आएगी, अभी तक टाई भी नहीं। चलो बाय। अरे ये क्या कर रही है, टिकटॉक वालों का स्टाइल है, हम तो सीधा सायोनारा करेंगे, मिलेंगे। और हाँ यार, मैं आपको एक मेन बात तो बताना भूल गया कि मैं ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ कि मैं इस जर्नी में बोर ना हूँ, तो इसलिए मैं अपने कैमरे से बात कर रहा हूँ, अगर हो सका तो यूट्यूब पर डालेंगे जो आपको दिख ही जाएगा। तो मैं अकेले ट्रैवल नहीं करता हूँ कभी भी, और मैं चुप रहने वाला हूँ, सो नहीं हूँ। और सॉरी कि मैं आपको राइडिंग वाली क्लिप्स दिखा पाऊँगा, क्योंकि उसमें फ़ोन बहुत ही ज़्यादा शेक हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कैसी वीडियो आई होगी वो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। पता नहीं मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ A5 पे, बल्कि मेरा कोच नंबर B5 है, इतनी दूर, बहुत दूर है, यार थक गया हूँ मैं, इसलिए चला नहीं जाता। यहाँ तो कोई एक्सीलेटर भी नहीं है यार, वैसे भी मेरी ट्रेन 1 घंटे बाद है, और रेलवे वाले 2 घंटे पहले बुला रहे हैं थर्मल चेक। सिद्धिका देखो, कुछ ऐसे लोग ही होते हैं जो सरकार को गाली देते बस। B5 जाऊँ क्या? चलो यार B5 मिलेंगे। मैं आ गया हूँ B5 पे, और यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे COVID-19 के आइसोलेशन कोच हैं, जिसके अंदर पेशेंट्स हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जाना मना है, इस पूरे कोचेज आइसोलेशन है, आइसोलेशन कोचेज है सारे COVID-19। देखो आप देख सकते हो,
देश कितने बड़े खतरे में है ना, क्या कर सकते हैं यार। यार मेरे फ़ोन की भी बैटरी ख़त्म हो रही है, मैं आपसे फिर अब ट्रेन में भी लूँगा जब मेरा फ़ोन चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं भी चार्जिंग पॉइंट मिल ही नहीं रहे, और यहाँ से मैं दूर जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा। मैं ट्रेन के अंदर शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो बर्थ था वो मिडल में था, तो मेरे को कैमरा उठाने की जगह नहीं मिली, और अभी ट्रेन नहीं दिखा पाया क्योंकि एक लेडी थी, मैं नीचे ही बैठी हुई थी, तो उनका लगेज मैं बाहर तक लेके आया था, इसलिए क्या फ़ोन पकड़ता है लगेज पकड़ता है। हेलो, आज की ट्रिप ख़त्म, अब मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ट्रिप पे। चलो बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी चलेगा, और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।